Okay, so whether it is a mandatory for the candidate to import the provisionally college allotted in the round 3. So, Sasikal ji, Saranu, myself, Neet Guru, Chandigarh, Amit Baral, मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर जेकर सानू थर्ड राउंड के कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो सानू कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, जेकर वो सानू कॉलेज साड़ी फीस साड़ी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस कॉलेज की फीस आप पे कर सकी है तो अपन लेना जरूरी है। सो दस आंसर इज दिस, यस तुम सीट लेनी ही पैनी है थर्ड राउंड के जेकर तुसी कॉलेज भरया है और एक साइड से तुसी 1 लाख रुपीज पे भरया है गवर्नमेंट और सैमी गवर्नमेंट की जेकर तुसी चॉइस भरी हुई है और तुहानू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो तुहानू जाके कॉलेज लेना ही पैना है और सीट की कन्फर्मेशन उदो ही होगी जो तुसी जाके उत्थे कॉलेज से जाके अपनी ट्यूशन फीस डिपोजिट करोगे नाल उत्थे जाके कन्फर्मेशन करोगे कि वी आर जस्ट गोइंग वे This is the right way. इस अगर तुही थर्ड राउंड दे विच जे तुहानू कॉलेज अलॉट हो गया बट तुही कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो जो 1 लाख रुपीज जो तुही भरया हुआ सीगा वो फॉरफिट हो जाएगा तुहानू एज ए पेनल्टी पै जाएगा वो तुहानू फीस अमाउंट वापस नहीं आ पाएगा भावे तो जेकर तुही कॉलेज नहीं लेंदे हो। ठीक है, सो ध्यान दे नाल काउंसलिंग हैंडल करना, काउंसलिंग प्रोसैस बहुत ट्रिकी है। इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर काउंसलिंग प्रोसैस फ्रॉम माई साइड सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू अचीव यूर ड्रीम कॉलेज टू गेट एडमिशन इन टू द MBBS थ्रू दिस नीट काउंसलिंग। सो ऑल द बेस्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।